नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गोयल, पिरामिड वास्तु एक्सट्रॉर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर। आज हम फिर से एक इस साइट पे जो वीडियो में वीडियो पे हम लोग मिल रहे हैं, ये साइट है घर की साइट है, तो इसी वीडियो में हम आपको वास्तु से पहले की एनर्जी दिखा रहे हैं कि इस घर में ये साउथ वेस्ट की जो इनका एंट्रेंस है तो यहाँ पे हमें क्या एनर्जी लेवल वास्तु से पहले मिल रहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब देखते हैं तो इनका जो एंट्रेंस है वो वेस्ट का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो सीढ़ियाँ हैं जो नॉर्थ वेस्ट में है, सॉरी साउथ वेस्ट में है, नैऋत्य कोण में इनकी सीढ़ियाँ है, तो यहाँ पे इनको 100% पॉजिटिविटी मिल रही है, इनका बढ़िया रिजल्ट है। अब हम आते हैं मेन एंट्रेंस की ओर। इससे पहले भी हम दिखा दे कि साउथ वेस्ट कोने में जहाँ पे इनका लेटरिन बेथरूम है वहां पे भी इनको 0% पॉजिटिविटी मिल रही है। अब हम आते हैं मेन एंट्रेंस में। यहां पे इसका कंस्ट्रक्शन का इन लोगों का जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, यानी कि वायव्य कोण में है। यहां से हमें क्या एनर्जी मिलती है वो देखते हैं। 5 से 10% यहां पे हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरा फॉल्ट ये है कि यहाँ पे एक गेट, आपने मेन गेट देखा, दूसरा ये मेन गेट कंस्ट्रक्शन का है, तीसरा गेट है, चौथा गेट है, एक लाइन में 4 गेट है। इसका मतलब है कि जो भी पॉजिटिविटी तो आती ही नहीं है, लेकिन आती तो भी चली जाती, बराबर। तो ये एक फॉल्ट है। और यहाँ पे नैऋत्य कोण में एक इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑल ओवर हमें 0% एनर्जी मिल रही है। जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं, आगे से तो हमें एनर्जी मिल ही नहीं रही है, अंदर आते हैं तो भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि ऑल ओवर हमें जहां पे भी एनर्जी लेवल बढ़िया चाहिए वो एनर्जी में लेवल कहीं पे भी हमें नहीं मिल रहा है। दूसरा फॉल्ट ये है कि इनका जो ये साउथ है, साउथ में किचन बना हुआ है, तो साउथ में आप लोग जानते हैं जैसे किचन साउथ में होने से कोई एनर्जी मिलती नहीं है। लेकिन दूसरा फॉल्ट ये है कि यहाँ पे जो अग्नि और पानी दोनों साथ में है जो नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे इनको एनर्जी लेवल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये दूसरा फॉल्ट है। तो ये एक तो किचन साउथ में है और अग्नि और पानी दोनों साथ में है, इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी लेवल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि पहला गेट मेन एंट्री का था, दूसरा कंस्ट्रक्शन एरिया का था, और तीसरा गेट ये है, यहाँ पे भी इनको कोई भी एनर्जी लेवल नहीं मिल रहा है। और किचन के सेंटर में भी हम देखेंगे, किचन के सेंटर में भी एनर्जी लेवल कुछ भी नहीं है, हमें 0% एनर्जी मिल हर लेवल पे मिल रही है। और पूरे प्रॉपर्टी का अगर हम सेंटर निकाले तो सेंटर में ये इनका फ्रिज रखा हुआ है, इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे 0% पॉजिटिविटी मिल रही है। अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, आइए जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, हमें कहीं पे भी हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। अब ये इनका जो एक गेट है पिछली पीछे की ओर, तो ये इनका ईशान कोण में पड़ता है गेट, तो यहां पे हमें एनर्जी लेवल क्या मिलती है वो देखते हैं। ये इनका पूर्व की साइड हो गया, ईस्ट साइड, और गेट है ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पे हमें 200% एक जगह पे पॉजिटिविटी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें ऑल ओवर पॉजिटिविटी मिल रही है। तो ये एरिया थोड़ा है वो एनर्जी के लेवल से थोड़ा बहुत एनर्जाइज हो रहा है, 15-20% हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। तो पूरी प्रॉपर्टी में देखा जाए तो ये एक नाग योनि बन गई, सर्प योनि बन गई है ये पूरा, क्योंकि ये एनर्जी प्रॉपर्टी जो है वो 10x40 की प्रॉपर्टी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी लेवल लास्ट तक पहुंचना तो नामुमकिन है। और ऊपर से इनकी जो दिशा है, इनकी जो साइड है, फेस है, वो वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड में आप लोग समझते हैं कि कभी भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, साउथ से भी कभी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। तो पहले से ही हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है तो लास्ट तक कहां से हमें पॉजिटिविटी मिलेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें हर जगह पे जहां पे 200% पॉजिटिविटी चाहिए वो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो ये हमने आपको हमारे वास्तु से पहले की जो रेमेडीज है वो वीडियो दिखाया, और हम अगले वीडियो में यहाँ पे रेमेडीज करने के बाद क्या डिफरेंट हुआ है एनर्जी लेवल पे, हर जगह पे कैसे 200% पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है वो हम दिखाएंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गोयल, पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महादेव।